अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज आ गई है वो घड़ी के भाई की फिर उपटन की रस्म होने जा रही है, तो मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। तो मैं आपको वहाँ ज्वाइन करूँगी और मेकअप के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी और साथ में कॉमेंट्स भी कीजिए। और कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा कि किस तरह मुझे तैयार किया उन्होंने, मैं किस तरह से अच्छी लगी आप लोगों को, आप मुझे अपने कॉमेंट्स से आगाह कीजिएगा ताकि मैं कल भी उसी पार्लर से तैयार हो सकूं। तो आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि हुआ ये कि कोरोना की वजह से हॉल वगैरह सब बंद हो गए, सारी तैयारी धर्म भरम रह गई है। इतनी ज़्यादा तैयारी सब ने की थी। बहरहाल जो भी होगा, आप जैसे भी होगा आपको दिखाएँगे, जो भी शादी होगी कमरा दिखाएँगे आपको। दुल्हन का भाई ने कितना माशाल्लाह खूबसूरती से उसे सजाया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे बस। तो चलिए मैं पार्लर चलती हूँ और आपको वहाँ ज्वाइन करती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं जिस पार्लर से तैयार हुई हूँ उसका नाम मैं आपको बताती चलूँ, बनाव सिंघार पार्लर है। फर्स्ट टाइम मैं तैयार हुई हूँ, तो आप मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैं वहीं पर बैठी हूँ, तो चलिए आप, मैं घर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैं आ गई हूँ पार्लर से और यहाँ पर सेटिंग हो रही है। ये देखें, पीछे भी और आगे भी कोई भी नहीं आया, अभी मैं ही आई हूँ और अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर आई हूँ पार्लर में। और अभी मैं आपको भाई का कमरा भी दिखाती हूँ, तो चलिए कमरा देखते हैं। तो अब हम भाई के कमरे की तरफ आ गई हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। अभी ज़रा ऐसी सेटिंग हुई नहीं है, तो ये मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखें बाहर की कितनी खूबसूरत की है, और अभी चल ही रही है तैयारी, बहरहाल कल तक हो जाएगी। तो अभी कुछ भी नहीं किया है, स्टेज वगैरह सजेगी जब मैं आपसे दोबारा आपको ज्वाइन करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की है, अभी सेटिंग हो रही है बाहर। तो ये देखिए हमारी नवासी ने अभी कपड़े नहीं पहने, अभी कोई आया भी नहीं है तो इस वजह से अभी नहीं पहनाए, क्योंकि ये रोने लगेगी। अभी हम कपड़े पहनाएंगे और इसको दिखाएंगे फातिमा को, इतनी प्यारी सी लगेगी आज। इसकी ड्रेसिंग भी बहुत खूबसूरत हमने की है, तो अभी आपको दिखाएँगे। आप खाओ, आप खाओ। और आपको देखें पीछे की सेटिंग भी नज़र आ रही होगी, कितनी ज़बरदस्त हुई है माशाल्लाह। तो भाई बस अल्लाह ताला से यही दुआ है पूरी शादी अच्छे तरीके से हो जाए। कल थोड़ा सा धचका लग गया मुझे बहुत ज़्यादा, सारे सब उदास हो गए थे अचानक कि ये हुआ क्या, कि नहीं होगा। मैंने कहा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, कुछ भी नहीं है। बाहर थोड़ा सा इंतज़ाम उन लोगों ने किया, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किया हुआ है। और मैं आपको दिखाती रहूँगी, अभी सेटिंग हो ही रही है। मैं बहुत जल्दी आ गई थी फातिमा की वजह से, क्योंकि ये मेरे पास रह लेती है माशाल्लाह काफ़ी देर तक, जूस वगैरह मैं पिलाती रहती हूँ इसे और अच्छी देखभाल कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ और बताती हूँ। वही आप देख सकते हैं मेरी नवासी तैयार हो चुकी है, ये रोती बोते इस वजह से कपड़े काफी जैसे पहनाए हमने। फातिमा हंस के दिखाओ। अपनी बाहों में तुझको मैं ले लूंगा, तेरी जुल्फों से डे नाइट खेलूंगा, जो तू रूठेगी तुझको मनाऊंगा, फिर रूठेगी के नखरे उठाऊंगा। जब भी तुम्हें की है तेरी जान मुझको, तो आज के उपटन की आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और अभी मैं आपको और जैसे भी इवेंट्स होंगे आपके साथ ज़रूर आपके साथ ज्वाइन करूंगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।